अक्सर हम अपने न्यूज में प्लेन क्रैशेस के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, जिसमें कई रीजन इंजन फॉल्स होते हैं, कहीं पे और भी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार हमें उनका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल पाता ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों था। अभी नेटफ्लिक्स में हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है जिसका नाम है डाउनफॉल, और ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है केस अगेंस्ट बोइंग कंपनी। बोइंग इज वन ऑफ दैट कंपनी जो प्लेन्स बनाती है। आई थिंक दे स्टार्टेड एज अ कोर मेकिंग द प्लेन एज अ इंजीनियर्स बेसिस, एंड उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी उसको आगे लेके गए, उसको एक्सपेंड करा उन्होंने बेसिकली। एंड ये तब हुआ जब उनका सीईओ चेंज हुआ। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से बोइंग कंपनी ने अपनी बातें छुपाई। उनके जो बोइंग के जो प्लेन थे जो एयरलाइंस ने खरीदे थे वो क्रैशिश हुए, जिसमें से वन ऑफ दैट जो न्यूज में था वो था लाइन एयरलाइंस जो इंडोनेशिया से चला था वो क्रैशिश हो गया था। एंड देन उसके 5 महीने बाद इथोपियन एयरलाइंस का जो प्लेन था वो भी क्रैशिश हो गया था। और ये दोनों प्लेन बोइंग कंपनी के थे, 737 मैक्स। सो आई थिंक ये कहानी उसी बेस में दिखा रही है कि उसमें दिखाया गया कि किस क्या रीजन थे कि वो प्लेन क्रैशिश हुए। क्या इसमें ये भी एलिगेशन दिखाया गया कि पायलट को बताया गया कि पायलट अच्छे से ट्रेन नहीं है, पायलट वेल क्वालिफाइड नहीं है प्लेन उड़ाने के लिए। लेकिन इसमें एक टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की थी 737 मैक्स में, जिसका नाम था मैकैश। मैकैश इस एक तरह की टेक्नोलॉजी उसमें दिखाई गई थी कि किस तरह से प्लेन का जो पीछे वाला जो विंग होता है वो किस तरह से एक्ट एक्ट करता है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, और जिसका उनको शायद आइडिया नहीं था। पायलट्स को इस बात की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, और जब उन्होंने अपना 737 बोइंग्स ने सेल भी किया था तो उन्होंने वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। उन्होंने एक साफ लिखा होता, नो एनी फर्दर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस फ्लाइंग दिस 737 मैक्स। तो उन्होंने कभी मैकैश के बारे में सुना नहीं था, क्योंकि मैकैश शायद उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था जब वो प्लेन उड़ा रहे थे, और देन दैट बिकम वन ऑफ द रीजन की वो क्रैश हुआ। उसमें से कोई भी नहीं बच पाया, जो लोग मरे थे उनके जो विक्टम्स के जो रिलेटिव फैमिली पर्सन थे वो सब कोर्ट में जाते रहे। और ये पूरी कहानी, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री इन्हीं चीजों के ऊपर अराउंड घूमती है कि किस तरह से बोइंग ने अपनी बातें छुपाई। एंड बोइंग एक अच्छी कंपनी हुआ करती थी, जिस तरह से उसकी उन्होंने बैक स्ट्रीज भी इसमें दिखा दी है। एंड उसके बाद किस तरह से उन्होंने आगे, जब से उनका सीईओ चेंज हुआ तो किस तरह से पूरी कहानी वहीं से पलट गई, बहुत कल्चर एकदम अलग हो गया, और वहां पे वो कंपनी ज्यादातर स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगी रेदर देन ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर। दैट्स इट। अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।